दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मटका बॉलीवुड यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से जी हाँ दोस्तों आज हम आपको अभिनेता अक्षय कुमार की एक जून 2012 में रिलीज हुई फिल्म रॉडी राठौड़ और सलमान खान की इक्कीस दिसंबर दो में रिलीज हुई फिल्म दबंग टू के बॉक्स ऑफिस का लगाएंगे तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं दबंग टू फिल्म के बारे में दोस्तों अगर हम दबंग टू फिल्म की बात करें तो यह फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी और ये कॉमेडी एक्शन फिल्म थी इस फिल्म को अरबाज खान ने डायरेक्ट किया था इस फिल्म में सलमान खान सोनाक्षी सिन्हा अरबाज खान और विनोद खन्ना थे अगर हम इस फिल्म के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो तकरीबन 250 करोड़ रुपए था इस फिल्म ने इंडिया में तकरीबन 155 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और दबंग फिल्म को बनाने में 70 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं रॉडी राठौड़ फिल्म के बारे में दोस्तों अगर हम रॉडी राठौड़ फिल्म की बात करें तो ये फिल्म भी दो में रिलीज हुई थी और ये कॉमेडी एक्शन ड्रामा फिल्म थी इस फिल्म को प्रभु देवा ने डायरेक्ट किया था इस फिल्म में अक्षय कुमार सोनाक्षी सिन्हा और यशपाल शर्मा थे अगर हम इस फिल्म के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो एक करोड़ रुपए था इस फिल्म ने इंडिया में तकरीबन 133 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और रौडी राठौर फिल्म को बनाने में तैंतालीस करोड़ रुपए खर्च हुए थे और ये भी एक ब्लॉक फिल्म साबित हुई थी तो दोस्तों आपको इन दोनों फिल्मों में कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई थी कमेंट में जरूर बताइएगा मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल Okay, thank you.